10.3.1 पूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए कितनी लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होती है? दिए गए चित्र में आप देख सकते हैं कि दर्पण MM' का PQ भाग हमें हमारा पूर्ण प्रतिबिंब दिखाने के लिए पर्याप्त है। यदि दर्पण को M'Q ऊंचाई पर रखा गया है, त्रिभुज HPE व त्रिभुज EQF को ध्यान से देखें। हमारे सिर H से आ रही किरण P पर परावर्तित होकर हमारी आंख E में प्रवेश करती है और हमें हमारे सिर का प्रतिबिंब H' पर दर्पण के पीछे बना हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार हमारे पैर F से आ रही प्रकाश किरण Q से टकराकर हमारी आंख E में पहुंचती है और F' पर पैर का प्रतिबिंब बनता है। इसी प्रकार अन्य बिंदुओं का प्रतिबिंब भी H' F' के बीच बनता है, अर्थात पूर्ण प्रतिबिंब बनने के लिए दर्पण का केवल PQ भाग ही उपयोग में आता है। त्रिभुज HPE व त्रिभुज EQF में PR व QS को क्रमशः HF पर अभिलंबित कीजिए। चूंकि कोण I1 बराबर कोण R1 और कोण I2 बराबर कोण R2 परावर्तन का नियम, इसलिए HR बराबर RE बराबर HE बटे 2, समीकरण 1, और SF बराबर SE बराबर EF बटे 2, समीकरण 2, और PQ बराबर RE धन ES, PQ बराबर HE बटे 2 धन EF बटे 2, यानि PQ बराबर 1 बटे 2 कोष्टक में HE धन EF, इसलिए PQ बराबर 1 बटे 2 HF, अर्थात दर्पण का उपयोगी भाग उस व्यक्ति की लंबाई का आधा होगा जो दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। और चूंकि QM' बराबर SF, इसलिए QM' बराबर EF बटे 2, अर्थात दर्पण को आंख के स्तर के आधी ऊंचाई पर रखने की आवश्यकता होगी। एक व्यक्ति की लंबाई 160 सेंटीमीटर है, उसे अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी? चलिए इसका हल देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है, कि व्यक्ति की लंबाई कितनी है? व्यक्ति की लंबाई है 160 सेंटीमीटर। और हमें यह ज्ञात करना है कि उसे अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी लंबाई के दर्पण की आवश्यकता होगी। तो हम यह जानते हैं, कि व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए अपने लंबाई की आधी दर्पण की लंबाई की आवश्यकता होती है। यानी कि यदि व्यक्ति की लंबाई 160 है तो हमें जो दर्पण की लंबाई चाहिए होगी वो इसका आधा होना चाहिए। अपने लंबाई की आधी लंबाई वाले दर्पण की आवश्यकता होती है। तो इसके अनुसार दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? दर्पण की लंबाई जिसमें 160 सेंटीमीटर वाला व्यक्ति जो है वो अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख पाएगा वो होगी 160 बटे 2 यानी कि 80 सेंटीमीटर।
इस प्रकार यह प्रश्न हल हुआ। अतः एक व्यक्ति की लंबाई यदि 160 सेंटीमीटर है तो उसे अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम 80 सेंटीमीटर के लंबे दर्पण की आवश्यकता होगी।